सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी सेवा दल के अधिकारी और नौजवान यहाँ पर इस रैली के रूप में साध संगत की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सेवा का महत्व, भक्ति के मार्ग पर जो चलते हैं उनके लिए उसकी बहुत अहमियत होती है। इसीलिए भक्ति का जो एक स्वरूप है उसमें सेवा वाले पहलू को हमेशा अहमियत दी गई है। यूँ तो हर भक्त जो इस परमात्मा निराकार की अनन्य भक्ति कर रहा है, इसको अंग संग जानकर सत्संग भी करता है, सेवा भी करता है, सुमिरन भी करता है, लेकिन इन्हीं भक्तों में से ये जवान इन वर्दियों को पहनकर भक्ति वाले पहलू को निभाते हैं। एक मर्यादा पूर्वक, एक डिसिप्लिन के साथ ये इस सेवा को सर अंजाम देते हैं। ये समागम जिस अवसर पर ये रैली हो रही है, इन्हीं मैदानों को समागम के लिए तैयार करने के लिए करीब अगस्त के महीने से सेवा दल के जवान यहाँ इन मैदानों में पहुँचने शुरू हो गए। और ये इतना बड़ा एरिया फैला हुआ, जो इसको ये सुंदर रूप देने के लिए इन्होंने ये सेवाएं प्रारंभ की और फिर संगतें भी इसमें शामिल हो गई, उन्होंने भी सेवाएं भरपूर की। सुबह से लेकर रात तक यही धुन में सवार कि दातार तूने ये तन दिया है, धन दिया है, हम इसको परोपकार में, सेवा में लगाते चले जाएं। इनकी पवित्रता भी तभी होती है जब ये समर्पित किए जाते हैं। तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं जब इसको हम समर्पित करते हैं, जब इसको हम परोपकार में लगाते हैं। तो इसी भाव से युक्त होकर केवल इस समागम की बात नहीं, प्रांतीय समागम होते हैं तो इलाके के क्षेत्र सेवा दल के जुड़ जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसी एक सुंदर रूप सेवा का पेश करते हैं। और केवल समागमों की बात नहीं, रेगुलर बेसिस के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी मिशन की ब्रांचेस हैं और जहाँ जहाँ पर सेवा दल की यूनिट्स कायम हुई हैं, वहाँ वहाँ ही बहनें और भाई ये नीली और खाकी वर्दी पहने हुए किस तरह से एक त्याग की भावना से, तप की भावना से युक्त होकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये तमाम गृहस्थी हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करना होता है। अनेकों अनेकों विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर बिल्कुल सर के ऊपर इम्तिहान या एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं फिर भी ये सेवा को अहमियत देते हैं। और अभी भी आपने देखा कि सांस्कृतिक रूप एक कल्चरल आइटम्स भी पेश की गई जो हर समागम पे रैली के दौरान ये पेश करते हैं। तो उसके लिए भी वो चाहे स्टूडेंट्स हों, वो फिर भी समय निकालते हैं ऐसी आइटम्स को तैयार करने के लिए, सेवा करने के लिए। यानी कि चाहे छोटे से बच्चे हों जिनको आप भी यहाँ बाल सेवा दल के रूप में देख रहे हैं, सफ़ेद कमीज़ और खाकी निक्कर पहने हुए, तो बालपन की अवस्था से ही ये सेवा वाला संस्कार इनको प्राप्त हो रहे हैं। और फिर जो उम्र बढ़ती चली जाती है, किशोरावस्था में जवान,
और फिर और मिडिल एज में पहुंचते हैं, तो ये सेवाएं इनकी चलती चली जाती हैं, वो जज्बे चलते चले जाते हैं। और जब सेवा का जज्बा पैदा हो जाता है, फिर घर में भी सेवा करते हैं, घर में भी बरखुरदार बन जाते हैं और समाज की भी सेवा करते हैं। जैसे मिशन के द्वारा अनेकों समाज की सेवा के लिए कार्य चलाए जा रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, चाहे आई कैंप्स हैं, चाहे मेडिकल चेकअप कैंप्स हैं, या फिर नेचुरल कलेमिटीज़ के जब वक्त आते हैं, तो ये जवान किस तरह से भाग भाग कर पहुँचते हैं वहाँ पर पीड़ा को दूर करने के लिए, एक राहत प्रदान करने के लिए। चाहे वो उत्तराखंड में इतना ऐसा भयानक रूप बना, तब भी इतने रिमोट एरियाज़ में जा जाकर जवानों ने ये एक अपने आप को पेश किया। इसी प्रकार से हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो ऐसी बाढ़ की भयानक स्थिति पैदा हुई, उस वक़्त भी सेवा दल के जवानों ने, जो मिशन ने वहाँ पर शिविर लगाए और ऐसे रिमोट एरियाज़ में पहुँच गए, बल्कि वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे स्थान भी थे जहाँ पर बताया गया कि वहाँ तो इतने भयानक लोग हैं जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, उस तरफ कहाँ पर आप जा रहे हो, ये सामग्री लेकर, सामान लेकर जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी जब जवान वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने किस तरह से ये सेवाएँ की और सबको, क्योंकि ये केवल यही देखते हैं कि पीड़ित कौन है। जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और वो भाई कन्हैया की मिसालें हम अरसे से सुनते आ रहे हैं कि भाई कन्हैया भी जब पानी पिला रहे थे जख्मियों को मैदाने जंग में, तो कई गुरसिखों ने आकर शिकायत कर दी कि चलो अपनों को तो पानी पिला रहे हैं, ये दूसरे जो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं उनको भी पानी पिला रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो जब पेश किया गया गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज के सामने, तो जब भाई कन्हैया से पूछा गया तो भाई कन्हैया ने यही कहा कि मालिक आपने ही ये शिक्षा दी है कि किस तरह से ये नूर बसता है हर घट में, तो ये सारे उस रूप में मैं देखता हूँ, चाहे ये भटके हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे आपको और इसलिए ये जुल्म का भी सहारा लेते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी जख्मी को देखता हूँ मुझे एक मुख वही नज़र आ जाता है और इसलिए मैं पानी पिलाता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, अच्छा भाई कन्हैये, ये मरहम भी ले जा, जख्म जहाँ भी देख कोई भी है उस जख्मों पे मरहम भी लगाता चला जा। तो इस प्रकार से ये मिसालें, ये उदाहरण ये हमारे सामने हैं और उसी अनुसार ये सेवा दल के जवान भी स्थान स्थान पर पहुँच कर जो मिशन के उसूल हैं, उसी अनुसार जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों के युगों से रहे हैं, उसी अनुसार ये सेवा में अपने योगदान दे रहे हैं और पूरी एक अकर्ता भाव से युक्त होकर, एक सेल्फलेसनेस के साथ, जहाँ पर दुनिया में सेल्फिशनेस भरी पड़ी है, खुदगर्जियाँ भरी पड़ी हैं, जहाँ पर ये राहत की दास बात कर रहा है। गुजरात में भी उन वक्तों में जाने का मौका मिला जब अर्थक्वेक आया और वहाँ पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली, बहुत पीड़ा हुई कि कितने कितने राहत के सामान बाहर के मुल्कों से भी आए, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए थे एक्सप्लॉइट करने वाले कि वो सामान वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया और बाज़ार में बेच डाला। तो ऐसी ऐसी खुदगर्जियाँ जहाँ पर काम कर रही हैं, ऐसे लोभ लालच और खुदगर्जियाँ, सेल्फिशनेस काम कर रही है, वहाँ पर सेवा दल के जवान सेल्फलेसनेस के भाव से युक्त होकर, निष्काम भाव से युक्त होकर, ये पूर्ण रूप में अपनी लगन के साथ, निष्ठा के साथ ये अपनी सेवाएं कर रहे हैं और पीड़ित तक हर वो सामान पहुंचाने के लिए इनके ऊपर किस कदर अकीदे और विश्वास ये हुए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में भी इस बार कुछ ऐसे इलाके जहां पर कई ऐसे लोग सेवा करना चाहते थे और उन्होंने भी जवानों पे विश्वास किया और कहा कि ये मिशन के पास ऐसे सेवक हैं तो हमें विश्वास है कि जो हम देंगे चीज़
वो ठीक उसी जगह पर पहुंचेगी। तो इस तरह से ऐसा विश्वास बनाना, ये वाकई ही वही कर सकते हैं जो वास्तविकता में समर्पित होते हैं, जो ज्ञान को याद रखते हैं, जो पूर्ण रूप में एक गरज का किनका मात्र भी अपने जीवन में आने नहीं देते हैं, वही विश्वास के पात्र बनते हैं। और इसलिए समाज में इनके ऊपर विश्वास किया जाता है और इस तरह से मिलजुल कर ये अपने योगदान ये देते चले आ रहे हैं। तो ये सेवा दल की रैली में सेवा वाले पहलू को किस कदर ये उजागर किया गया, कला का सहारा लेकर, और साथ ही साथ राजमाता जी की सेवा दल के प्रति भी जो योगदान रहे उसको भी नतमस्तक होकर याद किया गया कि किस तरह से जहाँ पर आरंभ हुई सेवाएं मिशन का, जब ये स्वरूप मंडल की स्थापना दिल्ली में जब हुई, और उस वक़्त चाहे वो एक भाइयों के रूप में ये सेवाएं आरंभ हुई, लेकिन राजमाता जी ने महसूस किया कि बहनें भी अनेकों हैं संगत में, तो इसलिए बहनें भी क्यों ना अपना योगदान सेवा के रूप में दें। और इस तरह से उन्होंने खुद अपने आप को सेवा के मैदान में उतारा, चाहे वो लंगर की सेवा लोग के ऊपर, जहाँ पर बहनें आज भी सेवाएं करती हैं, कहीं चपातीस बनाती हैं, फुलके पकाती हैं, और अनेकों ऐसे रूपों में सेवाएं होती हैं, कहीं पर झाड़ू लगाना, कहीं तसले उठाना, तो ये सभी प्रकार की सेवाएं राजमाता जी ने अपने हाथों से की और इसी प्रकार से एक प्रेरणा दी सभी को। और इस तरह से उनको भी आज सेवा दल की रैली में अपनी एक अकीदत पेश की जा रही थी और यही प्रार्थना की जा रही थी कि हम भी, हमारे में भी वही जज्बे बने रहें, हम भी नतमस्तक रहें, हम भी हमेशा विनम्र भाव रहे और हम गुरसिखों का आदर सत्कार करते हुए सेवा करें। ये नहीं कि गुरसिखों का निरादर करते हुए सेवा करें, क्योंकि कहीं पर भी निरादरी का भाव अगर आ जाता है तो हमारी की हुई सेवा ही वो बिल्कुल बेमायने हो जाती है। इसलिए सत्कार का भाव भी बना रहना चाहिए, निम्रता बनी रहनी चाहिए, मिठास बनी रहनी चाहिए, और इस प्रकार से तालमेल के साथ, एक मर्यादा पूर्वक डिसिप्लिन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ ये सेवा करते चले जाएं, ऐसी दातार तौफीक बख्शे। और याद किया जा रहा था हरबंस लाल जी को भी, जिन्होंने अभी चंद रोज़ पहले ही अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा है और सेवा में वो जुटे रहे। अरसे से उनके माता पिता भी, उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान लिया था और तब से लेकर ये परिवार चलता चला आ रहा, और हरबंस लाल जी ने इसी तरह से आरंभ से ही सेवा में अपने योगदान दिए और फिर मेंबर इंचार्ज सेवा दल के रूप में, उससे पहले कहीं लोकल यूनिट के लेवल पर सेवाएं की, फिर केंद्रीय अधिकारियों में उनको जिम्मेदारी दी गई और फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर इंचार्ज के रूप में सेवा दी गई। तो हर पहलू को एक सुंदर ढंग से उन्होंने निभाया और इसी प्रकार से अनेकों अनेकों ऐसे महापुरुष सेवा दल के हैं जिन्होंने अपने इस समय को पूरा किया, शारीरिक यात्रा को सेवा करते हुए संपन्न की इस यात्रा को। तो वाकई ही वो जीवन जो जिए गए हैं सेवा भाव से, हर उस जीवन की महत्ता है। और हमने ऐसे एक जज्बों से हम प्रेरणा लेनी है और खुद भी हमेशा प्रोत्साहित रहना है। और केवल ये हिंदुस्तान की बात नहीं, हिंदुस्तान के प्रांतों में सेवा दल के योगदानों की बात नहीं, ये विश्व के हर मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी संगतें कायम हैं उनकी भी नुमाइंदगी इस रैली में आप देख रहे हैं कि वहाँ जो दूर देशों में जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांचेस की जो यूनिट्स हैं वो अपनी अपनी वो वर्दियाँ पहनकर यहाँ पर इस रैली में शरीक हुए हैं। और केवल रैली में भी नहीं, समागम के दौरान भी ये अपनी सेवाएं भिन्न भिन्न रूपों में ये पेश कर रहे हैं और वहाँ पर रह कर भी समाज की सेवा और भी ये तमाम मिशन का योगदान जो है उसमें अपने योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो आज इस समागम के अवसर पर आप सभी सेवा दल के जवान
और ये जो रैली भी खूबसूरत ढंग से निभाई गई है, इसलिए आप सभी मुबारकबाद के पात्र हैं। और ये सेवाएं जवान कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अभी लगातार दास को मैदानों में जाने के मौके लगातार मिलते आ रहे हैं। अभी परसों ही की बात, यहाँ पर सत्संग भी चल रहा था और एक मैदानों में एक आवाज़ लाउडस्पीकर्स की जा रही, तो ऐसे स्थान पर जाकर पार्किंग स्पेसेस में देखा, वहाँ जवान लगे हुए हैं हाथ जोड़कर, तो वहाँ पर लाउडस्पीकर की आवाज़ भी नहीं जा रही थी। तो दास ने यही सोचा कि ये भी जवान यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी आखिर पता नहीं हज़ारों मील का सफ़र, सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे होंगे, इनके मन में भी इच्छा होगी कि हम समागम में मैदान, मुख्य मैदान में वहाँ का आनंद लें, दर्शन करें, संगत सुने। लेकिन कहाँ पर एक किनारे पर जहाँ लाउडस्पीकर की आवाज़ भी नहीं आ रही, लेकिन उसी डेडिकेशन के साथ वो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी ऐसी मिसालें ये हमारे सामने हैं। तो वहाँ पर दास ने जिक्र भी किया प्रबंधक महापुरुषों को कि कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो कि यहाँ कम से कम लाउडस्पीकर तो पहुँचा दो, ताकि ये सेवा करते हुए ये ऐसे वचन भी सुन पाएँ। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि सख्त सर्दी की स्थिति में भी देखा है, सख्त गर्मियों की स्थिति में भी देखा है, भीगे हुए मौसम में भी देखा है, किस तरह से ये पूरी निष्ठा के साथ ये अपने आप को इस तरह से तप त्याग से पेश करते हैं, ताकि सात संगत को सहूलत मिल सके, सात संगत आराम से अपने आप को वो एक आनंद ले सकें। नाना प्रकार की सेवाएं, चाहे लंगर के रूप में देख रहे हैं, ट्रैफिक के रूप में देख रहे हैं, वॉच एंड वार्ड के रूप में देख रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग कर रहा है, कोई शामियाने लगा रहा है, कोई छिड़काव कर रहा है, कोई प्याऊ पे लगा हुआ है, कितने कितने रूप हैं, कोई ऐसे एक शौचालय में लगा हुआ है जहाँ पर कोई जाना भी पसंद ना करे, लेकिन जैसे अभी इस रैली के दौरान भी आइटम में दिखाया गया कि ये सेवा दल के जवान जो साधारण रूप में हमें नज़र आते हैं, इनमें ऐसे ऐसे भी हैं, कई गैजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं सरकारी लिहाज से, कई बिजनेसमैन भी होते हैं जिनके नीचे पता नहीं कितने नौकर काम करते हैं, लेकिन वो साधारण सी ये वर्दी पहनकर, चाहे वो किसी भी सेवा मिल जाए करने की, झाड़ू लगाने की, वो भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे दुनियावी जो अहम का भाव है, उस तरह से यहाँ पर ये अपने आप को पेश करते हैं कि कहीं अहम का नाम नहीं है, और यही एक प्रेरित करती हैं औरों को, प्रभावित करते हैं औरों को कि वाकई ही हम खाम खा के मान में पड़े रहते हैं, चार पैसे क्या आ गए, थोड़ी सी ताकत क्या आ गई, थोड़ी सी शोहरत क्या हो गई, कि इतने फूले समाते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो इसलिए उनको भी ये संदेश मिलता है जब ऐसा कर्म के रूप में जब ये महापुरुष अपने आप को ढालते हैं। तो अब सात संगत, दास अधिक और समय नहीं लेगा, काफ़ी आगे समय निकल चुका है और अभी सत्संग का भी आरंभ मुख्य पंडाल में होने जा रहा है। तो यही अरदास कि दातार कृपा करे, सबको शक्ति दे, सामर्था दे कि ये सेवाएं करते चले जाएं तन मन धन की। और जैसे वो कहावत मशहूर है कि इवन इफ यू डू लिटिल लिटिल थिंग्स टू हेल्प अदर्स, इट मेक्स अ बिग स्पेस इन द हार्ट्स ऑफ अदर्स। तो इस प्रकार से वो कार्य चाहे छोटे छोटे हमें लगते हैं, लेकिन दूसरे के मन के में जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिसको कुछ राहत दे रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, उनके मन में वो छोटा स्थान नहीं होता, उनके मन में वो बड़ा स्थान होता है। वो छोटे कार्य चाहे हो, छोटी सी देन हो, लेकिन स्थान उसका बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये स्थान बनाए रखें मनों में दूसरों के, अपने इस निष्काम भाव की सेवा के द्वारा, निष्ठा के द्वारा। तो सात संगत जी धन्य कर।